तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को हिरासत में लिया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि पासपोर्ट में गलत जानकारी उनके जरिए दी गई थी, जिसके बाद फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ इस मामले को लेकर कर रही है। और इसी दौरान आपको ये बता दें कि अब्दुल्ला पर रामपुर के एसपी का बयान सामने आया है, और रामपुर के एसपी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में उनके जरिए बाधा डाली गई थी और साथ ही अधिकारियों से भी बदसलूकी की गई। तो फिलहाल अब्दुल्ला खान जिनसे पूछताछ यहाँ पर पुलिस कर रही है, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंगलवार को प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर जब छापा मारा था, तो उसी दौरान जो अधिकारी थे जांच में जुटे हुए थे, तो उन्हीं के साथ अब्दुल्ला खान के जरिए ये बदसलूकी की गई और इसी पर फिलहाल मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।